एक बार एक गांव के लोगों ने अपने गांव के लोगों के लिए एक प्रतियोगिता रखने के बारे में सोचा। गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ा खंभा लगाया और लोगों से कहा कि जो भी व्यक्ति इस खंभे के सबसे ऊपरी सिरे तक पहुंचेगा वही विजेता कहलाएगा और उसे जीत की भारी रकम दी जाएगी। अब सारे लोग बहुत ही उत्साहित हो गए और तय किया गया कि ठीक एक महीने के बाद ये प्रतियोगिता होगी जिसमें सभी लोग हिस्सा ले सकते हैं। अब सभी लोग अपनी अपनी तैयारी में लग गए। सभी लोग उस खंभे पर चढ़ चढ़ कर देखने लगे। छोटे जवान बूढ़े सारे के सारे लोग उस खंभे पर चढ़ने का प्रयत्न करने लगे। अब वहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ था जिसने ये सभी चीजें देखी और वो भी ट्राई करने लगा। समय आगे बीतता जा रहा था लेकिन कोई भी व्यक्ति उस खंभे के छोर तक नहीं पहुंच पा रहा था। लेकिन फाइनली वो दिन आया जब उस खंभे पर चढ़ने की प्रतियोगिता होने वाली थी। अब उस दिन सारे लोग एकत्रित हुए और एक एक करके हर व्यक्ति उस खंभे पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति ज्यादा ऊपर तक नहीं जा रहा था। अब लोग वहां पर हंस भी रहे थे, मजाक भी उड़ा रहे थे। बहुत सारे लोगों ने बहुत ट्राई किया लेकिन उसके बाद भी कोई भी व्यक्ति खंभे तक चढ़ नहीं पा रहा था और लोगों को बड़ा ही आनंद आ रहा था। मजे ले रहे थे कि कोई भी व्यक्ति ऊपर तक चढ़ ही नहीं सकता, ये खंभा तो बहुत ज्यादा ऊंचा है। बहुत समय हो गया लेकिन कोई भी व्यक्ति उस खंभे के छोर तक पहुंच ही नहीं पाया। छोर तक क्या, आधी दूरी तक भी कोई व्यक्ति पहुंच ही नहीं पाया। लेकिन उसके बाद एक नौजवान लड़का आया। उस लड़के ने उस खंभे पर चढ़ना शुरू किया। थोड़ी दूर तक गया और उसके हाथ फिसलने लगे। सारे के सारे लोग उस लड़के का मजाक उड़ाने लगे कि अरे इतने लोग नहीं चढ़ पाए, तू क्या चढ़ेगा, चल नीचे उतर जा। लेकिन उसने प्रयास करना नहीं छोड़ा। वो बार बार नीचे की ओर देखता और फिर ऊपर देखता और चढ़ता जाता। लोग उसका और मजाक उड़ाने लगे लेकिन वो लड़का रुका नहीं। वो फिर नीचे देखता और फिर से ऊपर चढ़ने लगता। धीरे धीरे वो और ऊपर चढ़ता गया, चोटी के पास पहुंचता गया। लेकिन नीचे खड़े लोग उसका और मजाक उड़ाने लगे कि बस अब तो ये गिरने ही वाला है, अब देखना ये तो गिर जाएगा, ये फिसल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। लेकिन वो जैसे ही नीचे देखता और ताकत से ऊपर चढ़ता और फाइनली हुआ ये कि वो लड़का एकदम चोटी पर पहुंच गया और वो लड़का विजेता बन गया। अब वो नीचे उतरा और लोग उससे पूछने लगे कि यार तुम विजेता कैसे बन गए, तुमने ऐसा क्या किया, कौन सी प्रैक्टिस की, क्योंकि गांव का एक भी व्यक्ति उस चोटी के आधी दूरी तक भी नहीं पहुंच पाया और तुम एकमात्र ऐसे लड़के हो जो चोटी तक पहुंच गया। दूर पर खड़े किसी व्यक्ति ने कहा, अरे उससे क्या पूछते हो, वो तो गूंगा व्यक्ति है, बहरा है, उसे तो ना बोलना आता है ना सुनना आता है, वो तुम्हें क्या बताएगा कि वो ऊपर कैसे चढ़ पाया। अब सारे के सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ये लड़का तो गूंगा और बहरा है लेकिन फिर भी ये चोटी पार कर गया। उसके बाद किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाया गया जो उसकी बातों को समझ सकता था और उससे पूछा कि भाई इससे पूछो कि ये चोटी तक कैसे पहुंच गया जबकि कोई भी चोटी तक नहीं पहुंचा। उसके बाद उस लड़के ने बताया कि जब मैं ऊपर चढ़ रहा था और नीचे देख रहा था तो तुम लोग बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे, तालियां बजा रहे थे कि हाँ और ऊपर चढ़ो और ऊपर चढ़ो, तो मुझे लग रहा था कि आप लोग मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, मेरे लिए उत्साहित है, प्रोत्साहित है, तो मुझे लगा कि आप सभी लोग मेरे ऊपर चढ़ने के लिए इतनी कामना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आप लोग मेरे लिए इतने खुश हैं, तो मुझ में और जोश भरता गया। मैं नीचे देखता गया, जैसे जैसे मैं नीचे देख रहा था आप लोग और खुश होते जा रहे थे और वैसे ही वैसे मैं और ऊपर चढ़ता जा रहा था और शायद आप लोगों के द्वारा की गई प्रशंसा ही मेरी सफलता का राज है। अब वहां पर खड़े लोगों को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई क्योंकि उन लोगों ने उस व्यक्ति को मोटिवेट नहीं किया था बल्कि वो सभी लोग तो उस व्यक्ति पर हंस रहे थे क्योंकि वो व्यक्ति सुन नहीं सकता था। उस व्यक्ति को ये लग रहा था कि ये सारे के सारे लोग उसे मोटिवेट कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं और इसीलिए वो खंभे पर चढ़ पाया। शायद इस कहानी की सीख अब तक आप सीख ही गए होंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि आपके जीवन में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, आप पर हंसते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन आपको उन लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं और उन लोगों से क्या नया सीख सकते हैं।